में अमरूद का पेड़ जरूर लगाना चाहिए। अगर आपके पास थोड़ी सी भी जगह है तो अमरूद का पेड़ लगाएं। उस पेड़ के 3 पत्ते हर रोज सुबह खाली पेट खाएं, बिना ब्रश किए आपको उसे खाना है। अगर आप ब्रश करके खाएंगे तो वो आपको फायदा नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप ब्रश करते हैं तो जो आपके बासी मुंह की लार है उसे आप बाहर निकाल देते हैं। ये बासी मुंह की लार हमारे लिए अमृत है। अगर आपके आंखों के नीचे काले घेरे हैं तो बासी मुंह की लार को आंखों के नीचे लगाते रहें, इससे आपके काले घेरे बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। अगर आपके चेहरे के ऊपर पिंपल्स हैं तो आप बासी मुंह की लार लगाएं, इससे आपके चेहरे के पिंपल्स गायब हो जाएंगे। आपके शरीर पर कहीं भी दाद, खाज या खुजली है, जलन हो रही है, तो आप अपने बासी मुंह की लार, यानी कि जब आप सुबह उठते हैं तो उठते ही अपनी लार को अपने उस घाव पर लगाएं। आप देखेंगे चुटकियों में आपका घाव सही हो जाएगा। तो इस लार के इतने फायदे हैं, इसीलिए सुबह उठते ही बिना ब्रश किए आपको 3 अमरूद के पत्ते हर रोज खाने हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे जो आपको फायदे होंगे आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि अमरूद के पत्तों में विटामिन सी भरपूर मात्रा में है। ये विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को इंक्रीज करता है। अमरूद के पत्तों में एंटीऑक्सीडेंट गुण हैं जो हमें कैंसर से बचाते हैं। इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल गुण हैं जो हमें बैक्टीरिया से बचाते हैं। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है जो हमें दाद, खाज, खुजली से बचाता है। ढेरों गुण हैं इसके, चलिए विस्तार से जानते हैं। अगर आप खाली पेट अमरूद के पत्ते खाते रहेंगे तो इससे आपको कौन कौन से फायदे मिलने वाले हैं। पहला फायदा है डेंगू बुखार में। अगर किसी को भी डेंगू का बुखार हो जाए तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस अमरूद के पत्ते खाली पेट खाने हैं। डेंगू के सेल्स इतनी तेजी से बढ़ते हैं, इतनी तेजी से तो आपके सेल्स कीवी भी नहीं बढ़ा सकती। अमरूद के पत्तियों का आप काढ़ा बनाकर पीजिए। डेंगू के केस में अमरूद की पत्तियों का काढ़ा कैसे बनाना है? अमरूद की 10 से 15 पत्तियां लेकर उसमें 2 गिलास पानी के डालिए, उसे अच्छे से उबालिए जब तक कि पानी 1 गिलास ना रह जाए। अब इस पानी को छान लीजिए तो ये आपकी चाय तैयार हो जाएगी। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा शहद, 1 चम्मच शहद डाल सकते हैं। अब आपको इस काढ़े को पीना है। इस काढ़े को पीने से आपके सेल्स बहुत तेजी से बढ़ेंगे, आपकी डेंगू की बीमारी कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी। डायबिटीज में अमरूद के पत्ते रामबाण हैं। आजकल डायबिटीज से हर एक इंसान परेशान है, हर दूसरे घर में डायबिटीज का पेशेंट है। और डायबिटीज की जो सबसे बुरी बात है वो है कि इंसान को दवाई खानी ही पड़ती है। क्यों खानी पड़ती है? क्योंकि हमें डॉक्टर डरा देते हैं। डॉक्टर कहते हैं अगर दवाई नहीं खाओगे तो मर जाओगे, इस डर में हम खाते हैं दवाई, और ये दवाई हमें एक लत लग जाती है। इस दवाई के बिना हमारा डायबिटीज कंट्रोल होता ही नहीं है। लेकिन डायबिटीज क्या है? शुगर का लेवल ही तो है। शुगर का लेवल कंट्रोल में रहना ये नेचुरल है। जब आप अपने पैनक्रियाज को संभाल कर नहीं रखते, पैनक्रियाज के अंदर इंसुलिन प्रोडक्शन होती है। जब ये इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो जाती है तो डायबिटीज हो जाती है। अपनी इंसुलिन की प्रोडक्शन को बढ़ा भी सकते हैं, नेचुरल तरीके से बढ़ा सकते हैं अमरूद के जरिए। अगर आप खाली पेट अमरूद के पत्ते खाते रहेंगे तो इससे आपका पैनक्रियाज मजबूत होता जाएगा और अपने आप से इंसुलिन प्रोड्यूस होता जाएगा, तो आपको बाहर से दवाई लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको आयुर्वेद से जुड़े रहना है, क्योंकि आयुर्वेद में हर बीमारी का इलाज जड़ से खत्म करने के बारे में बताया जाता है। आज के विज्ञान जैसा नहीं कि हर बीमारी